नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके दोस्त आरजे सत्यम मिश्रा के साथ इस समय आप सुन रहे हैं युवाओं का अपना कार्यक्रम #AIRNEXT। और आज की इस कड़ी में मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक ऐसे सफर में जिसमें आप देखेंगे हमारे प्यारे देश भारत की कल, आज और आने वाले कल की खूबसूरत तस्वीर। इसके साथ ही होंगे कुछ खूबसूरत से नगमे और चर्चा करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव पर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये सफर इस प्यारे से गीत के साथ। हम पर है था तरती बसती थे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। करे हवाएं रंग बिरंगी, कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं, पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, लसन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं
झूरन की है बुढ़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को है मेरा हो, जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, लता मंगेशकर, गुरुदास मान और प्रथा मजूमदार की आवाज में वीरजारा फिल्म का गीत। रचना जावेद अख्तर की थी, जिसे सुरबद्ध किया है मदन मोहन ने। दोस्तों, हर राष्ट्र का अपना एक इतिहास होता है, और हमारा ये भारतवर्ष तो युगों युगों से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजी हुई है, और ना सिर्फ सहेजी हुई है बल्कि साथ ही साथ प्रगति के नए सोपान की तरफ बढ़ भी रहा है। इस महादेश भारत के पास अपनी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर तो है ही, साथ में अतीत के सुनहरे खूबसूरत ऐतिहासिक पन्ने भी हैं। और दोस्तों, देश की इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जन जन को प्रेरित और गौरवान्वित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मार्च 2021 के दिन गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से स्वतंत्रता मार्च को हरी झंडी दिखाकर की गई। दोस्तों, इस दौरान आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो दोस्तों, आइए अपने इस महोत्सव को हम भी उत्साह से मनाते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
अभी आप सुन रहे थे फना फिल्म का गीत महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में। गीतकार थे प्रसून जोशी, संगीतकार थे जतिन ललित। दोस्तों, आज देश पूरी तरह से आज़ाद है, लेकिन इस अमूल्य आज़ादी के सुनहरे सपने के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। 1957 की खूनी क्रांति, भगत सिंह की शहादत, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन और ऐसे ही असंख्य वीरों की गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। दोस्तों, हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया और सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाया, क्योंकि सभी के जीवन का एक ही उद्देश्य बन गया था और वो था मातृभूमि को स्वतंत्र करवाना। दोस्तों, कहते हैं कि माँ के दूध का कर्ज तो कभी अता नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सच्चे सपूत होने का फर्ज तो निभाया ही जा सकता है। और स्वतंत्रता सेनानियों की इन्हीं गाथाओं से देशवासियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, आइए नमन करते हैं हम भी भारत माँ के वीर सपूतों को इस गीत के साथ। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। आ, मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। ओ हीर मेरी, तू
हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। वी प्राक की आवाज में अभी आपने सुना केसरी फिल्म का गीत। मनोज मुंतशिर के बोलों को सुरों में पिरोया था तनिष्क बागची ने। दोस्तों, 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भरता की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत की उपलब्धियां पूरा विश्व देख रहा है। अब देखिए, हम भारतीय चाहे देश में रहे हों या फिर विदेश में, हमने अपनी मेहनत से, अपने दमखम से हमेशा खुद को साबित किया है। दोस्तों, हमें अपने संविधान, अपनी संस्कृति पर गर्व है। आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया को गति देने वाली है। दोस्तों, कोरोना संक्रमण का ही उदाहरण देख लीजिए। इस दौरान सारे विश्व के सामने सिद्ध भी हो गया है कि भारत वैक्सीन निर्माण में भी पीछे नहीं रहा, और इस तरह से भारत एक अनोखे लोकतंत्र का प्रतीक भी बन गया है। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी आहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। से जिंदगी है ये कह रही, सब तो पालिया अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है बर से, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश, ये जो देश है।
तुझे है पुकारा। अभी हमने सुना एआर रहमान के संगीत और उन्हीं की आवाज में स्वदेश फिल्म का नगमा, इसे लिखा है जावेद अख्तर ने। दोस्तों, आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला, कभी कभी घड़ी की सुइयां भी हमारे बीच आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा ये साथ चंद लम्हों का नहीं है, बल्कि हम और आप इस अनन्य संस्कृति के वाहक और पोषक, हमारे देश भारत की विकास यात्रा के पहिए को अपनी युवा ऊर्जा से खींचने के लिए साथ साथ चलेंगे। उम्मीद है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की झांकी दिखाने में हम सफल हुए होंगे। तो दोस्तों, अब विदा दीजिए अपने दोस्त आरजे सत्यम को। नमस्कार, शुभ संध्या। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकर। नमो नमो जी शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वर। जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकर। नमो नमो जी शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वर। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा उपाओ में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र
मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद दोनों लोक में विषाम रित पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बाट के प्याला विष का तूने खुद पिया।